महाराज जी की अपार कृपा हुई है। गुरु साहब जी की पावन पवित्र हजूरी में यह जो गुरम समागम हो रहा दसवें पातशाह जी का अवतार पुरब के नाल की नाल साहब संगत जी दसवें ग्रंथ की बाबत बहुत सारिया विचार गुरमुखा तो विद्वाना तो आप जी ने सरवण कीतियां थोड़ा कु समा प्राप्त होया कुछ विचारा तो साझिया करिए तो पहला फतेह का जवाब फतेह दे के कुछ कह की आग्ञा बख्शो। बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत कुछ गुरमुखा तो साहब संगत जी तो सरवण कर लिया जिन्ना कु समा ये मैं अपने लफजां नूं तरतीब देवां। बहुत ज्यादा जिहड़ा किंतु परंतु है साहब संगत जी वह दसम ग्रंथ से हुंदा चरित्र उपख्यान से जिवें वह सिंह आपां नूं मान सिंह दस के गया। बहुत सारिया गल् साहब संगत जी ऐसा होंगे जिहड़ियां साडी समझ च अज नहीं आईया साल बाद आ सकदियां पंजां सालां बाद दसां सालां बाद साडी समझ विच अज गल नहीं आई कि इहदा अर्थ इह नहीं वी गल गलत आ। गुरु की गल आ सरबग के बचन आल पग की बुद्धि समझद्या समझद्या कई साल लग सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पाठ आप कदों के सुनते आए जदों की सुरत संभाली करते भी आए हैं कथा भी कीर्तन भी प्रचार भी अजे तक अपनी समझ में सारा कुछ नहीं आया बल्कि 1% भी नहीं आया। जदों जिन्ना जिन्ना आता जाता उन्ना उन्ना गुरु साहब जी का धनवाद आ जे मेरी समझ में नहीं आया तो सात संघ जी हूं ताई मेरी बुद्ध दी आ इहदा अर्थ ये नहीं कि गुरु साहब के बचन गलत आ। कहिंदे ने एक बार एक पंजाब की गऊ साहब संगत जी वेख के तो राजस्थान चली गई। हुण पंजाब दे विच पली सी गां जदों राजस्थान गई उत्थे राजस्थान दे हरियावता नहीं हुंदी साह संगत जी इन्नी सुके सुके पट्ठे उहनूं खाण नूं मिले उह इत्थे हरिया खाण वाली सी उह खावे ना। उन्होंने आख्या भी गल की चंगी पली लियांदी उत्थों पट्ठे खांदी आई है ते इत्थे क्यों नहीं मूँह लाउंदी। कोई पंजाब दा सी उत्थे जाके उहने जमीन लई उहने कहा भी एक काम करना पैणा इह पट्ठे खावेगी इह आई पंजाब चों पंजाब दे हुंदे हरिया चारा इतने राजस्थान च सुखा तुम कट्ठा करके रखिया खाए ने लैना पर एक तरीका वरतना पैना। वो कहें जी वो कि कहें अखा से हरिया एनक ला दौ तो सुखा घाए के अगे सुटो तो हरिया समझ के खा जाएगी। घाच साह संघ जी कोई फर्क नहीं सी फर्क सिर्फ अख नज़र बदलने वास्ते अखा के उपर लाई एनक का पै गया पठे उ जो बंदे की अपनी एनक साह संघ जी बदल जाए ना उन्होंने फिर अगले बने दृश्य होर का होर दिसन लग प। भाई दलजीत सिंह कह कह कहते जो 10-15 साल उस बाणी तो प्रशादे मिलते सी उदों साह संगत जी एनक होर सी मुड़के फिर एनक बदल ली बाणी उ बाणी च कोई फर्क नहीं पिया एनक बदली है बस। ये तो अपनी अपनी सोझी है साह संगत जी। दो विद्वाना की आपस में एक बार गलबात हुई वह नाम से इस्लाम के दोवें विद्वान सन बड़े मने परमने साह संगत जी सत्कारयोग तो एक का नाम से उमर तो दूजे का नाम से जैद। उमर जी ने एक बार जैद को पूछया भाई धर्म में सारी धर्म में जोड़ा खतरा सब तो वह किस गल तो हो सकता। उन्हें कहा जी मेरी तो नहीं इन्नी सियाणप कि तुम कृपा करके दसो। तो अग्यों फिर साध संगत जी उम्र ने यह गल लिखी कहता कि धर्म में खतरा उदों हुंदा जदों विद्वान डोल जाए तो जां फिर कुरान के गलत अर्थ किए जाण। दो गल्लां धर्म में रह के डुबदियां एक तो आलम का डोल जाना ते दूजा अपने पैगंबरां दे बचनां दे गलत अर्थ करने अपनी मर्जी अनुसार। वो कहिंदा उवें धर्म नूं कोई खतरा नहीं हुंदा आ दो गल्लां जिहड़ियां धर्म नूं थले लैके जांदियां इह दोवें गल्लां गुरबाणी दे साथ संगत जी हुण पूरी तरह आण बड़ियां पूरी तरह ही। एक ते विद्वान चलो विद्वान ही आपां उहनां नूं आखांगे भई विद्वान जदों डोलदा साथ संगत जी उदों फिर वह अपनी मर्जी करन लग पैंदा डोलदा किस करके ते रब जाणदा भी पिछों थापड़ा मिलदा जां गफ्फा मिल जांदा कितेओं जां की गल। पर अपने आप को विद्वान खाने वाला जब डोल जाता गुरु साहब जी के बचना तो साध संगत जी फिर वो इदा ही करता हूँ जिदा हूँ होंगी है। तो दूसरे होंगे गलत अर्थ साध संगत जी वह फिर अपनी मर्जी नाल करते हूँ उन्हों की एनक इस तरह की आ कि जदों चरित्रा की गल चले तो उन्होंने अगले बंदे सिर्फ अश्लीलता दिसदी आ। जे कि गुरु की कृपा की एनक ला लैन तो साध संगत जी वो अश्लील कुछ नहीं कुछ भी वो अश्लील नहीं। जीवन में साध संगत जी जिहड़ियां रुकावटां बनन वालियां वड्डियां वड्डियां चीज़ां उहने लोभ मोह हंकार यही चीज़ां ना ते क्रोध क्रोध लोभ मोह हंकार तां साध संगत जी बंदे नूं सता सकदा जे बंदे दा जीवन चले ते जीवन ही नहीं ते किस उत्ते वरतना लोभ मोह ने। जीवन काम तो शुरू होना काम तो शुरू होए जीवन दे उत्ते इह चीज़ां वरतणगियां इहनां दी वारी बाद विच आ पर आरंभ कित्थों आ आरंभ काम तो हाँ।
पर काम की नजायज वरतों करने वाले ने साथ संगत जी दैत बुद्धि पैदा कर दी संसार से। लोभ की तुम गलत वरतों करोगे साथ संगत जी निरी मौत आ, क्रोध की गलत वरतों करोगे तो मौत आ। मोह महाराज ने संगल आख्या पैरों के, पर जे मोह सही वरत्या जाए तो फिर आख्या कुर्बान किया तो सिर बिठो जिन मोह मीठा लाया गुरु साहब के बचन आ। पर इनू साध संगत जी कि एनक ना आप देखना फर्क एनक का, तो किस एनक ना आप देखा। दसवें पातशाह जी की पवित्र बाणी साध संगत जी तीन मुख कारण सामने रख के उचारी गई है। कुछ सिद्धांतक बाणिया जिन्हों का आप रोज नितनेम करते हैं, जाप साहब है, सवैये चौपी साहब, इस तरह साध संगत जी जफरनामा, यह सिद्धांतक बाणिया इतिहासक होर कुछ बाणिया ऐसा जड़िया ज्ञान वास्ते आ जिन्हों तो सिखा ने ज्ञान लैना, तो कुछ बाणी ऐसी है जिहड़ी सिर्फ धर्म योद्धा चा पैदा करने वास्ते आ। दसम कथा भगवत की भाख्या करी बनाए अवर वाश ना ही प्रभ धर्म योद्ध कह चाहे। वो कहते साडे मन च धर्म योद्ध का चा पैदा करना। हुणे दस के गए गुरमुख प्यारे भी उन्हां साध संगत जी चंडी दी वार दीआं पौड़ियां विच सत युद्धां का वर्णन किया। युद्धां का वर्णन कराने का अर्थ है साध संगत जी किसी योधे दे विच जां किसी आम सधारण बंदे विच योधिआं वाले गुण पैदा करते हैं, वह धर्म युद्ध वास्ते सी। उस उत्ते किंतु परंतु वह नौजवान कह गया साध संगत जी असल में सारे लोगों लिए नहीं हुंदा, वाकई सारे लोगों लिए नहीं, यह तो जिहड़ा खालसा कलगीधर पातशाह ने पैदा किया साध संगत जी असल में उहदे लई है सारे लिए, पर सारे एक मर्यादा विच दी लंघ के पहला उत्थे आना पैना फिर उन्होंने साध संगत जी ये वरतनी पैनी है। उवें सारे समुचे राष्ट्र लिए है पर फिर भी एक थां ते आ के साध संगत जी ये लागू हुंदी है, उवें नहीं। फिर वो उत्ते किंतु परंतु आपो अपनी बुद्ध अनुसार है साध संगत जी महाराज जी की बाणी का एक प्रमाण दे के भी शायद साड़ी समझ च गल छेती आ जाए भाई ये गल आप किवें समझनी है। गुरु साहब ने मूर्खां दा साध संगत जी एक प्रमाण दिता, वह कहिंदे ने मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही नाओ। एक कसौटी दस दिती ना, एक फार्मूला दस दिता भी जिहड़ा नाम नूं नहीं मानता वह मूर्ख आ। एक बन्ने आसा दी वार विच आपां रोज एक छक्का सुणदे हां, मूर्ख मुक्त शरणागति मिल गोबिंद रंगा राम राजे, गुरु साहब जी का गुरु रामदास जी का। दोवें गल्लां समझण वास्ते मेरे कोल समां नहीं भी मैं इहनां दी व्याख्या करां, पर दोवें गल्लां समझण वास्ते साध संगत जी पहला तां महाराज अगे पल्ला पा के बेनती करनी पैणी सच्चे पातशाह विवेक बुद्ध बख्शो। एक बने तुसीं मूर्ख उहनां नूं कहिंदे जे जिहड़े नाम तों टुटे आ, एक बने तुसीं अपने आप ते लफ्ज़ लाई जांदे जे हम मूर्ख मुक्त शरणागति, एक ही गल हुई। पर अगली अद्धी पंक्ति साध संगत जी फिर गुरु जदों कृपा करे फिर वह खोलदी तो पता लगता, कहिंदे मिल गोबिंद रंगा राम राजे, मूर्ख भी गुरु की शरण में आ के भरोसा कर लवे गुरु की बाणी उत्ते तो परमात्मा मिल सकता। मूर्ख का अर्थ है मोटी बुद्ध। पर जे साडी समझ में गल ना आए तो फिर असं आखेंगे भी आपा विरोधी वचन कर दते हैं। कबीर साहब ने एक थान आख्या कबीर मुला मनारे क्या जड़े साई ना बहरा होए, जा कारण तू बाग दे दिल ही पित्र जोए। एक बने कबीर साहब कहिंदे रब गोला नहीं हैगा कि उच्चे थां ते चढ़ चढ़ की उची उची बोली जाना, चुप करके अपने अंदर सुरती टका रब तेरे अंदर ही बैठा। दूजे बने कबीर साहब कहिंदे कबीर केसो केसो कूकी है ना सोईए आसार, कूकीए दा कूक मारन दा अर्थ हुंदा उची, जिन्नी उची बोल सकदा। कबीर साहब कहिंदे रब नूं चेते करदा जिन्नी उची कर सकदा कर गुरमुखा, चुप नहीं करना ते दिने रात उची उची आवाजां मारी चल। फिर हुण साडी गल ते समझ ना आवे साडी हुण बुद्धि इस गल दे भी कबीर साहब को गलती हो गई लगदी। एक बन्ने कहिंदे उची बोलना नहीं रब बोला नहीं, दूजे बन्ने कहिंदे तू चुप ही ना कर उची उची बोल। हुण साध संगत जी जे ते रब ने विवेक बुद्ध ना दिती होवे ते नुक्स सीधा कबीर साहब च निकलना अपनी मत च नहीं, जदों कि कबीर साहब च नुक्स नहीं, कबीर साहब तां रब ने आप ही दिया। कबीर साहब नूं तां पंजवें पातशाह जी ने आवाज मार के अपनी बुगल च लिया, नुक्स कबीर साहब च नहीं ना कबीर साहब जी की बाणी च, नुक्स साडी अकल विच आ। निकले भावें ना निकले तो सारी उम्र ना निकले, निकल जाए तो दसां सालां बाद पंद्रह बाद वीहां बाद निकल जाए तो आखांगे कि उदों मैं गलत सां अज मैं ठीक हो गया। पर गुरु की बाणी गलत नहीं, सानू समझना पैना भी कबीर साहब ने उत्थे किनू आख्या भी उची आवाजा क्यों मारदा, इधर किनू आख्या भी तू चुप करके क्यों बैठा उची क्यों नहीं बोलता। गुरु साहब का हर उपदेश एक एक बचन साध संगत जी अधिकारी ते अनअधिकारी वेख के दिता जाता। जिहड़ा अनअधिकारी है ना उहदे वास्ते गुरु साहब जी का बचन सीधा नहीं जे टिकता। अधिकारी नूं पहलां दिंदे आ महाराज उपदेश, अनअधिकारी नूं अधिकारी बनाउण वास्ते कहिंदे आ झूठे बर्तन मांज पहलां जाके, संगतां दे जोड़े झाल, घोड़ियां दी लिद सुटिया कर, पहलां सेवा कर, तू हाले अन अधिकारी आ, पहलां अधिकारी बन
फिर तेन उपदेश देवे, क्योंकि अधिकारी के हिरदे च छेवनी का दुध कहते सोने के बर्तन च टिकता नहीं तो टिकता ही नहीं। पहला हिरदे की निर्मलता बनानी, फिर अधिकारी बना के वो उपदेश देना। आन अधिकारी बंदा चंबड़ जे महाराज की बाणी तो साहब संघ जी बाणी च नुक्स कटेगा, और करना उन्हें की अजे तो अधिकारी नहीं बनया। सिख खवाउण दा जे अधिकारी नहीं तो चीर फाड़ करता गुरु साहब के वचनां दी, क्योंकि मत मारी गई है। हाँ, हाथ जोड़ के यह बेनती की जाए, महाराज तुसी कृपा करो मत चंगी बख्श दिओ, तुहाडे वचन मेरी समझ में आ जाण, ते गुरु साहब उसे वेले कृपा कर देंगे, फिर कोई दूर वाली गल नहीं। यह चित्रों पख्याण साहब संगत जी सिंघां ने अपने उत्ते वरता के दस पुरातन सिंह सी, मिसाल आप देने ना अज भी सिंघां दीआं, कोई जंगल में किसी ने जाना भावें 100 बंदा आवे तो उन्हें डीकना, कोई गुरु का खालसा आ जाए फिर जावांगे, फिर सानू कोई खतरा नहीं। यह खालसे का किरदार से, खालसे ने वह किरदार जी के विखा लिया। जदों किसी ने साध संगत जी चरित्र करने धर्म तो डिगी हुई ने, तो खालसे ने आखना भी असी महाराज के चरित्र पढ़िया, तू साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जा अपना काम कर। असी पढ़िया दसवें पातशाह जी ने, जिन्हें दसवें पातशाह जी ने पढ़िया तो खटदा खा लेगा। गुरु साहब ने एक मिसाल पैदा की है, उस मिसाल को सिखा ने अपने जीवन च ढाल के विखाल दिता। महाराज ने कृष्ण अवतार में एक युद्ध का जिक्र किया, खड़ग सिंह ते कृष्ण जी के युद्ध का। वो साध संगत जी टूक मात्र मैं बेनती करनी, वो जो खड़ग सिंह का सिर लथ गया तो सिर ने मुड़ के लथे सिर ने एक हरकत की, उत्थे ते आपां कह देंगे मिथ सी। बाबे दीप सिंह ने इस मिथ नूं अपने जीवन उत्ते वरत के साध संगत जी बाणी पढ़ के प्रतख करके विखाल दिता कि दसवें पातशाह के बचन नूं बाबा दीप सिंह बाबा दीप सिंह कमा के नहीं विखाल गया। पर ये सारे वचन साध संगत जी उन्होंने है जिन्हें गुरु नूं परमेश्वर रूप करके देखना, तो पहला बाणी पढ़नी है, पहला गुरबाणी में विश्वास करना, तो बाद साध संगत जी यह समझ में आए ये तो गल बन सकती है। बाणी पहला समझ च आ जाए तो मुड़ के विश्वास करा, इदा कभी हो ही नहीं सकता, कभी इदा नहीं हो सकता। गुरु साहब के होंदया सानू ज्ञान ना हो तो गल हो सकती कि मैं महाराज की खुशी नहीं ला सकिया, गुरु तो बिना ही ज्ञान हो जाए ये कितना हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता साध संगत जी, इदा कभी भी नहीं हो सकता। इस करके गुरु की कृपा लैण वास्ते पहला बाणी से विश्वास करना पैना। महाराज के वचन जाके मन विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पहला विश्वास तत् ज्ञान वादा, जे विश्वास नहीं तो तत् ज्ञान कितों आ जाएगा। फिर साध संगत जी ये सारा कुछ आप गलत गलत ही लगना। फिर जदों आ जाओ ना निर्णय की गल, एक बेनती करके तो मैं हुण फतेह बुला दिया, जदों निर्णय की गल आ जाए जिथे साध संगत जी बिल्कुल साड़ी अकल निर्णय ना ना कर सके भी हुण इत्थे की कीता जावे, उत्थे फिर साध संगत जी जीवन वाले बंदियां दे जीवन वाले वेख लईदा। दो बंदे सामने खिलारो, एक दे कोले डिग्रियां दी पांडिया पर नितनेम धेले दा नहीं, एक दे कोले डिग्री तां भावां कोई नहीं पर स्वास स्वास परमेश्वर उहनूं चेते आ, उह नाम जपण वाला। उदों फिर सानूं साध संगत जी नाम जपण वाले वाले देखना पैणा, खुशक हिरदे वाले कठोर हिरदे वाले डिग्री वाले वाले नहीं, क्योंकि गुरु साहब का वचन है दिन राती आराधो प्यारो निमख न कीजिए ढीला। गुरु साहब का वचन है सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरिया चेंद, गुरु साहब का वचन है हर जपद्या खिन ढिल ना कीजिए मेरी जिंदड़ी ए मत के जाप है साहब आवे के ना आवे। हाँ, इन्होंने वचना जोड़ा कमाने वाला साध संगत जी उदों फिर सानू वाल देखना पैना जोड़ा इन्हों वचना के उल्ट चलता, जिन्हें कभी नितनेम नहीं किया भावें डिग्रिया दिया दो पंडा गड्डा दसी फिर आए उदों वाले वेख्या गुजारा नहीं होना, उदों वाले देखना पैना जिन्हें जीवन कमाया जोड़ा शब्दी ओर च जीविया जोड़ा बाणी अनुसार चल रहा फिर वाले देखना पैना। तो जो आप उन्होंने वाले देखा तो मैं कहना एक मिसाल दे के मैं फतेह बुला देना भी फिर वेखो संत जरनैल सिंह खालसा वाले। संत जरनैल सिंह दसम ग्रंथ का हुक्म लैंदा हुक्मनामा लैंदा किन्ने सिंह मैं तुहाडे सामने विखाल दिया जिन्हां ने इन्हां दीदियां नाल इन्हां अखां नाल वेख्या। जे संत जरनैल सिंह दसम ग्रंथ का हुक्मनामा लैके नरकां नूं चल जाएगा तो आपां वी चल जांगे साध संगत जी, फिर कोई परवाह नहीं। सो बेनती है भी उदों फिर आपां नूं देखना पैना जिन्हें कौम लई कुछ कीता, जिसके हिरदे विच दर्द आ साध संगत जी पंथ वास्ते, जिन्हें नाम जपिया जिहड़ा बाणी दा अदब सत्कार करन वाला, जदों ओह हुक्मनामा लैंदा ते प्रकाश करदा फिर किंतू वाली गल नहीं रह जांदी।